नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस नए व्लॉग वीडियो में। दोस्तों अभी मैं गोपालगंज में हूँ और गोपालगंज में एक्चुअली मैं अभी पहुँचा हुआ हूँ एक मध पालन में, जो कि मधुमक्खी पालन में। और दोस्तों ये देसी मतलब ऐसे देहातों में कैसे ये मध पालन किया जाता है, आज की इस वीडियो पर हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। और दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तरह का बक्सा बनाया गया है और अभी देख सकते हैं ऊपर भी मक्खियाँ काफ़ी सारी उड़ रही है। और हमने एक नकाब सर ने दिया कि इसको लगाकर फिर आप वीडियो यहाँ पे शूट कर लीजिए। और चूंकि मुझे अभी काफ़ी डर भी लग रहा है क्योंकि हाथ वगैरह पे बैठ जाइए तो काट लीजिए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अगर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इस बिज़नेस को शुरू किए हैं यहाँ पे सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। मैं चाहूँगा कि अपना नाम सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बता देते, और ये जो अभी आपने ये जो मक्खी पालन जो आप शुरू किए हैं इसका एड्रेस क्या हुआ है। हालांकि तो मैं दोस्तों आपसे से बता दूं, और चूंकि सर अभी यहाँ पे नए हैं तो इनको एड्रेस बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा थोड़ा सा आप उधर दिखा सकते हैं। अगर आप गोपालगंज से मीरगंज की तरफ जाते हैं तो मेन मार्ग में ही, जैसे कि आप अगर थावे टोल टैक्स जो है नई बनी हुई है उसको क्रॉस करते हैं, वहाँ से 2 किलोमीटर अगर आप आगे की तरफ आते हैं तो आपको राइट साइड में ही आपको देखने को मिल जाएगा ये मधुमक्खी पालन। और तो आइए हम इससे बात करते हैं। सर थोड़ा बताते हैं हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से इस पालन को आप लोग शुरू किए हैं और इतना मधुमक्खी आप कहाँ से लाते हैं। पहले शुरू में तो हम पंजाब को खरीद के लाए जी, और वहाँ से जो है यहाँ पर जो है अपना सीख कर जो है पाल रहे हैं। हर जगह जाते हैं, बंगाल जाते हैं, राजस्थान जाते हैं जी जी, हर जगह औरैया भी जाते हैं, अपना बिहार में भी पालते हैं। अच्छा, बिहार में आपको गोपालगंज में आकर ये जो मक्खी पालन की आपने शुरुआत किया तो कैसा लगता है? अभी आप बिहार में हैं तो आपको और जिलों में जैसे बताया कि हमने घूम घूम के किया तो कैसा लगा आपको बिहार और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी आए तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा है जी, बिल्कुल। यहाँ का सही समाज भी हमको अच्छा मान रहा है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे अपने हमें लग रहा है कि हजार कितना ये बक्से कितने होंगे? बहुत ज़्यादा बक्से, 300 बक्सा है एक गाड़ी, 300 बक्सा है। तो मतलब इसका शुरुआत कोई अगर चाहे कि इसका शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं तो आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताते कि इसकी शुरुआत आपने कैसे की और कोई और चाहे लोग करना तो वो कैसे कर सकते हैं। इसको पहले जो है माने 2-3 महीना से 6 महीना रह कर के पहले सीखना पड़ता है, इसमें रानी देखना पड़ता है जी। और इसमें राजा होता है जो मोटा होता है उसको जो है देखना पड़ता है जी जी। और जब पूरा जब देख लिया तो मक्खी जो है अंडा बच्चा देता है कि नहीं, इसमें कौन सा बीमारी हो गया, समय समय से इसमें दवा देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, इन लोग का दवा वगैरह सब कुछ? हाँ, इसमें दवा भी देना पड़ता है। आपने कितने मधुमक्खियों से स्टार्ट किया? और आप बता रहे इसमें रानी और राजा, इसमें तो अलग अलग नामों की मधुमक्खी आती है ना? हाँ, एक राजा होता है, एक रानी होता है जी, जो एक दिन में 3 लाख अंडा देता है। एक दिन में 3 लाख? 3 लाख अंडा देता है रानी। अच्छा अच्छा। और इसमें एक राजा होता है जो वो काम नहीं करता, वो सिर्फ बैठ के खाता है। अच्छा, मतलब। और बाकी मक्खी जो है तो कमेरी है, जो जाता है तो फूल पर से रस लाता है जी, और वो जो है इसे छत्ता में रखता है तो हम लोग छोड़ाते हैं जी। मतलब ये रस छत्ता में कब रखते हैं मधुमक्खी? थोड़ा सा हमारे अभी आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं जी। तो अभी सरसों का जो है माने फूल पर जाएगा, वहाँ से जो है रस लावेगा जी, इसमें जो है रखेगा जी, बिल्कुल। तो 8-10 दिन पर हम लोग जो है उसको छोड़ा लेते हैं मशीन से, मशीन वहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा, मशीन से इसे छोड़ाते हैं? हाँ, मशीन से छोड़ाते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा दिखाते कुछ मधुमक्खी जैसे राजा और रानी बता रहे हैं तो थोड़ा दिखाते उन लोगों को, चूँकि हमारे व्यूअर्स भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी उठाए हुए हैं, ये कौन सी मक्खी है? रानी यही है, रानी है ये बड़ा साइड, बड़ा रानी जी, बड़ा साइड जो है रानी। अच्छा, डर वगैरह नहीं लगता है? देख रहे आप, हाथ से छुरे हमको इतना ज्यादा डर लग रहा है अभी नहीं नहीं, डर नहीं लगता है जी। ऐसे माने हम लोग निफिक्री होकर इसको चेक करते हैं, देखते हैं जी जी। अच्छा, इसमें रस कर दिए कि नहीं लोग? रस तो है, रस है अभी। मतलब किस माह में, या फिर माह में नहीं होता है ना अक्सर? तो माह में ये लोग जैसे महीने अलग अलग महीने होते हैं तो उस महीने में किसी महीने में ज़्यादा ही लोग रस को निकालते हैं, तो थोड़ा बताते किस माह में? अभी तो सीजन आ रहा है तो अभी जो है ज़्यादा रस निकलता है जी। और यहाँ से ले जाएंगे लीची में, तो लीची में जो है निकालेंगे, उसका बाद जो है चीनी खिलाना पड़ता है जी। अच्छा, यहाँ से जब आप मान लीजिए जैसे कि बताए आप पंजाब में भी किए हैं और पंजाब से लेकर आए हैं, तो कैसे इतना मधुमक्खियों को आप कैसे लेके आते हैं, इकट्ठा कहाँ करके ले जाते हैं? इसको पहले जो है पिन जाम करते हैं, उसका बाद में बक्सा ठोकते हैं, आटा और इसको पैकिंग करते हैं और मिट्टी से गेट बन करके और ट्रक पर लाद करके, अच्छा जहाँ जाना होता है वहाँ ले जाते हैं जी। जो मक्खी जो है बाहर ना निकले, किसी का काटे नहीं जी जी।
और तो मतलब उसमें तो ये लोग जीते कैसे, ऑक्सीजन वगैरह तो चाहिए ना उन लोगों को। जाली है जैसे ये जाली जो है जी, ये जाली ऐसे रख देते हैं जी जी, और ऐसे रख करके इसको पिन जाम कर देते हैं जी। अच्छा ये जो मधुमक्खी है लोग आप कुछ खिलाते भी हैं कि एक्चुअली ये बाहर के जो चीज फूल पौधे से अपना जो भोजन करते हैं? अब अभी रस नहीं मिलेगा तो इसको जो है चीनी के घोल बना करके इसे अंदर गिलास रख करके, वैसे न हुआ तो पन्नी में बांध करके एक गिलास इसको अंदर रख देते हैं खाने के लिए जी बिल्कुल। आ जब जो है रस मिलने लगता है तो ना नहीं खिलाते हैं जी, तब तो फूले के रस लाता है जी बिल्कुल। कितना, अच्छा इससे हम लोग बात करें एक्चुअली तो कितना कमा सकते हैं? अभी तो आप देख रहे हैं तीन लोग हैं, और भी लोग हैं क्या आपके साथ? हाँ यार, मेन आदमी जो था आज घर गया है। अच्छा अच्छा, तो मतलब तो नौकर है जी बिल्कुल। अगर बात करें तो सर मतलब कितना पैसा तक कमा सकते हैं हम लोग इस बिजनेस से? इस बिजनेस में बहुत अच्छा फायदा है जी, अगर चाहिए अगर मेहनत कीजिएगा तो साल में दुगुना भी हो सकता है। मतलब मेहनत के ऊपर सब कुछ, मेहनत के ऊपर अगर आप मेहनत करते हैं तो कहीं से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, अच्छा पैसा कमा सकते हैं जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने कीमती समय देकर अपना हमारे व्यूअर्स को इतने चीज़ें बताएं। और दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं, मैं अभी भी मैं डर रहा हूं यहां पे, चूंकि मैं काफ़ी डर लग रहा है वीडियो शूट करते टाइम। और सर कुछ और बताते हैं हमारे व्यूअर्स को, कुछ और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हम मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा आप बताते हैं। चूँकि सबसे पहले तो इस जो ये दिया है नकाब, इसको लगा कर ही आप लोग एंट्री करते हैं ना? हाँ जी, नकाब लगा लेते हैं तो ये मक्खी जो ज़्यादा मुँह पर और आँख पर ज़्यादा स्प्रे करता है काटने के लिए, इसलिए हम लोग जो है नकाब लगा लेते हैं जो मुंह पर एक्सट्रेट नहीं करें जी बिल्कुल। इसका ये लोग का जो वो रस होता है ना, कितने रुपए केजी चलता है आप लोग? वो तो माने हमारे यहाँ 150 के लेके 250 तक किलो चलता है खुदरिया। हमने सुना है इन लोगों का मद का जो ये रस होता है काफी बीमारियों में भी काम में आता है, ये हर काम में आता है, इसे दवा भी बनता है। और ठंडी के मौसम में जो है इसे अगर ज्यादा ठंड लग रहा है तो आप एक चम्मच खा भी सकते हैं डेली, तो उससे शरीर में गर्मी बना रहता है, ठंड नहीं महसूस होता है जी, बहुत काम में आता है शहद। थोड़ा सा इधर आ जाते सर, चूंकि थोड़ा सा एक एक बक्सा करके दिखा देते हैं किसमें कौन सी परिया है, थोड़ा बताते हैं हमारे। अच्छा ये क्या चीज़ें लगा रहे थे हमने अभी देखा, ये जो ये छाता ऑलरेडी बनाती हैं, ये छाता इस तरह बनाया है, जब इसमें जब ओवर हो गया जी इधर तो आ जाते ना सर, चूंकि माइक के पास आए तो आवाज़ सही से आता। सर ये बताते सर, ये जो छाता बनाया कि आप देख रहे हैं सब बक्से में लगा रहे हैं, ये जो है ना जो ओवर हो गया है तो छाता बना रहा है तो उसमें रस रखने के लिए, तो ओवर हो गया तो उसको जो है तो तोड़ करके हटाते हैं, ये छत्ता जैसे इसे अंदर रखेंगे जी, जो उसमें रस जो है रखेगा जी बिल्कुल, शहद रखेगा। मतलब इस छत में ये मधुमक्खी अपना शहद रखेगा जी बिल्कुल। तो और भी कुछ बताएंगे सर हमारे व्यूअर्स को आप कुछ इसके बारे में? सर चलिए थोड़ा सा सर शर्मा रहे हैं, बट कोई नहीं, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलकर और काफ़ी अच्छा जानकारी आपने दिया इसके बारे में। और दोस्तों यही था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मैं अपने चैनल पे आप सभी को कुछ बिजनेस से रिकॉर्डिंग भी ब्लॉग लाता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। तो मुझे एक्चुअली मैं निकल रहा था अभी मीरगंज के लिए, तो मैंने सोचा कि आप सभी को यहाँ का एक छोटा सा ब्लॉग दिखाया जाए, चूँकि आप लोग भी इस अगर कोई बिजनेस, इस बिजनेस को कोई आप में से व्यूअर्स अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप इजली कर सकते हैं। बिहार में काफ़ी सर ने बताया कि काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको शुरू करके, तो आप इजली शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों यही था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, और दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उससे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिल जाए। सर से मेरा एक छोटा सा लास्ट में सवाल रहेगा सर, कोई मेरे व्यूअर्स आपसे चाहे बात वगैरह करने के लिए इसके रिकॉर्डिंग, तो बात वगैरह कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर बोल देते हैं अपना? हमारे तो मोबाइल नहीं, लेकिन वो घर चल गया आज गया है। अच्छा चलिए मैं वही आदमी है जी बिल्कुल, इनके जो बॉस है बात कर सकते हैं जो, तो उनका मैं आप सभी को मोबाइल नंबर अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं इसके रिकॉर्डिंग, अगर बिजनेस करना है बच्चा लेना है इन लोगों से तो आप इडली ले भी सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।